अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कहाँ है? क्यों क्यों पूछ रही हो? तुम पूछ रही हो? अरे दोस्तों से ज्यादा तो तुम पर गुस्सा आ रहा है हमको। अरे माना कि हमसे गलती हुई, नहीं करना चाहिए था हमको जो हमने किया। तो तुमने क्या किया? नहीं क्या किया तुमने बताओ ना। पहले तो बोला कि सामने नहीं जाऊंगी, और जब सामने गई तो जोकरों की तरह उछल कूद करने लगी, और वो हमारे नालायक दोस्त अनाप शनाप बोल रहे थे तुमको। अरे मन तो कर रहा था कि एक एक को ठंडा कर दे वहां पे, लेकिन फायदा क्या जब हमारी पत्नी खुद का और हमारा दोनों की इज्जत का कबाड़ा कर रही थी वहां। नहीं बोलो ना हमको, क्यों अपने मुंह पर कालिक पोत रही थी तुम? बोलो ना जवाब दो हमको। क्यों पूछती है? हम उनको जताना और बताना चाहते थे कि हम जो है यही है। जैसे सही है, लेकिन हम आपके लायक बिल्कुल नहीं है। और हम आपको भी बताना चाहते थे कि ऐसे ही सारे आम तमाशा बनता रहेगा। अगर आप अपने साथ हमको रखेंगे, छोड़ दीजिए हमको। हम इसलिए ये सब किए कि हमको लगा कि ये सब करने के बाद आप हमको अपना जिंदगी से ना एकदम निकाल बाहर करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। आप अपना दोस्त लोग को ही निकाल बाहर कर दिए, सही नहीं किए। शट अप। क्या घिसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बात बार 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 बोले जा रही हो? छोड़ दो, अलग कर दो, तोड़ दो रिश्ता। और हम क्या करें? हम बार 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 इस रिश्ते को छोड़ने की कोशिश कर रहे। दिखाई नहीं देता क्या तुमको? और एक बात तो हमारी कान खोलकर सुन लो। सुनो, वो हमारी पत्नी है, और तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम उसका अपमान करो। सात फेरे लिए हमने हमारी कुं के साथ, और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उसका मजाक बनाओ, उसकी बेइज्जती करो। कुं हमारे लायक है या नहीं है, ये फैसला लेने का भी हक तुमको नहीं है, समझी तुम? और हाँ, खबरदार जो आज के बाद हमारी कुह को बेइज्जत करने की जरा सी भी कोशिश की, उसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना हमारी बात को। इतने बेगैरत इंसान हो ना कि सड़क और घर के अंदर अंतर ही नहीं पता। आज से ना सारे रिश्ते खत्म करता हूं तुम लोगों से, सारी यारी दोस्ती खत्म करता हूं। Get out, out! हम आपको भी बताना चाहते थे कि ऐसे ही सारे आम तमाशा बनता रहेगा। अगर आप अपने साथ हमको रखेंगे, छोड़ दीजिए हमको। राजी बुआ जी, प्रसाद
आओ वहां बैठते हैं। अच्छा आज का दिन कितना अजीब है ना बेटा, मन बहुत बेचैन हो रहा था। सरस्वती पूजा भी अभी संपन्न नहीं हुई, इसलिए सोचा मंदिर चली जाऊं। अब तो अच्छा लग रहा है, शांति मिली मन को मेरे। एक बात कहूं? हाँ हाँ बुआ जी बोलिए ना। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ जब भी मुझे प्रसाद देती थी ना तो एक हिदायत हमेशा देती थी कि प्रसाद इधर उधर मत गिराओ और बर्बाद मत करो। फिर उस दिन के बाद से ना मेरे जीवन का उसूल बन गया कि प्रसाद कभी बर्बाद नहीं करना। और हाँ, जब भी भोजन करो बैठकर आराम से तो इत्मीनान से करो, सुकून से करो और सबर से करो। जानते हो बेटा, हम इंसानों की आदतें, हमारा व्यक्तित्व, हमारे संस्कार, हमारा माहौल और हमारी परवरिश करते हैं। वो जिस गांव, जिस कस्बे से आए हैं ना, वहां लड़कियों का मोल उनके रंग रूप, उनकी सुंदरता से आंका जाता। वहां के लोगों ने ना उसे, उसका मोल सबसे कम आंका, उसकी हंसी उड़ाई, उसे ये मानने पर बाध्य कर दिया कि वो औरों से कम है। कम सुंदर, कम आकर्षक, और वो प्यार पाने के लायक ही नहीं है राजीव। उसके इसी माहौल ने ना उसका उसका व्यक्तित्व गढ़ दिया। तुम उसके जीवन साथी हो, उसके पति हो राजीव, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी इस मानसिकता को दूर करो, उसकी आत्महीनता को आत्मबल में परिवर्तित करो, उसके मान सम्मान को जगाओ, उसके आत्म सम्मान को जगाओ, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो राजीव। कुह का पति राजीव नारायण चंदेल। बोले बाबा कहाँ हो गया, हम चाहते थे कि वो हमको छोड़ दे, लेकिन वो तो अपने दोस्तों को ही, हम तो हार गए हैं। बोले बाबा अब तो तुम ही कुछ कर दो ना, ऐसा कुछ कर दो कि राजीव बाबू हमको अपने जिंदगी से निकाल बाहर करे, हमको छोड़ दे। बोले बाबा चलो। कहाँ चलो, कहा हमने।
राजीव चंदेल, हम राजीव चंदेल तुम्हारे पति तुमसे क्षमा मांगते हैं कि हम तुम पर गर्जे ऊंच नीच सुनाई, माफ कर दो हमको। वादा करते हैं हम कि आज के बाद हमारी पत्नी पर कोई नहीं हंसेगा। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।